हाय एवरीवन, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये जो है ग्लेमर एक्सटेक है और ये जो है इसका लेटेस्ट मॉडल है 2023 का लेटेस्ट मॉडल BS6 मॉडल है। तो इस बाइक का जो है हम लोग इसमें रिव्यू करने वाले हैं, फुल रिव्यू। इसमें जो है आपको माइलेज, इसका जो है फीचर सारा कुछ पता चलेगा, ऑन रोड प्राइस। तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो आप कलर देख रहे हैं ये जो है नेक्सस ब्लू कलर है। इसमें जो है और जो है आपको चार कलर का ऑप्शन मिल जाता है। और ये जो इसमें वेरिएंट आप लोग देख रहे हैं ये जो है ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है। इसमें जो है आपको डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट भी मिलता है। और इसके फ्रंट साइड से शुरुआत करते हैं तो इसके आप लोग वाइजर में देख सकते हैं आपको यहाँ हीरो का जो है एक लोगो मिल जाता है। और हेडलाइट में जो है आपको पूरा LED सेटअप मिलता है। और इसमें जो है आपको LED DRL भी दिया गया है। दोनों तरफ जो है आपको हैलोजन इंडिकेटर मिलता है। और इसके फ्रंट में जो है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। और उसके आगे बढ़ें तो इसमें जो है आपको फाइबर का जो है मडगार्ड दिया गया है। दोनों तरफ जो है मडगार्ड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और इसका जो आपको टायर का प्रोफाइल मिलता है वो 80x118 इंच के साथ मिलता है। ब्लैक कलर का इसमें एलॉय दिया गया है। और जो है इसमें आपको स्प्लिट एलॉय मिलता है। और फ्रंट में जो है अगर इसके ब्रेकिंग की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। और इसका जो है ड्रम ब्रेक का साइज जो आपको मिलता है 130mm का दिया गया है। और अब अगर इसके साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो इसके आप लोग टैंक में देख सकते हैं यहाँ पर जो है ग्लेमर एक्सटेक का जो है 3D आपको लोगो दिया गया है। और इसके काउल पे भी जो है हल्का फुल्का जो है एक्सटेक का ग्राफिक्स यूज किया गया है। उसके नीचे अगर आए तो यहाँ पर भी जो है वाइट कलर का ग्राफिक्स यूज किया गया है। और इसके जो है साइड पैड में जो है आपको i3S का भी एक स्टिकर मिल जाता है। और इस बाइक में जो है आपको किक भी दिया गया है। और यहाँ पर जो है फोल्डेबल आपको फुटरेस्ट दिया गया है। दो आपको फुटरेस्ट मिल जाता है, एक राइडर के लिए एक पिलियन के लिए। और साइलेंसर में जो है आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का जो है गार्ड भी दिया गया है। और अगर यहाँ सीट काउल की अगर बात करें तो यहाँ जो है आपको हीरो का लोगो मिल जाता है। और बैक टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 100x80 18 इंच का जो है इसका पूरा प्रोफाइल दिया गया है, जिसमें कि आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है स्प्लिट एलॉय के साथ। और इसमें भी जो है आपको 130mm का जो है ड्रम ब्रेक दिया गया है। और इसके रेयर में जो है आपको शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है। और इसके अगर टेल लैम्प की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको फुल LED टेल लैम्प मिल जाता है। दोनों तरफ जो है हैलोजन इंडिकेटर दिया गया है। और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक नंबर प्लेट लाइट और उसके नीचे जो है आपको यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। उसके नीचे जो है नंबर प्लेट का प्लेसमेंट दिया गया है। और यहाँ पर जो है आपको एक ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है जो कि ग्लॉसी ब्लैक कलर में है। और यहाँ पर जो है टेल लैम्प के ऊपर में भी जो है आपको एक हीरो का एक लोगो दिया गया है। सीट काउल के नीचे जो है आपको यहाँ पर भी हीरो का स्टिकर और यहाँ पर जो है आपको पैनल में जो है i3S का स्टिकर मिल जाता है। और साइड में जो है आपको यहाँ पर एक गार्ड और फुटरेस्ट मिल जाता है मेटल का। उसके आगे अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपको फोल्डेबल फुटरेस्ट और यहाँ पर जो है ड्राइवर के लिए फोल्डेबल फुटरेस्ट मिल जाता है। और इस बाइक में जो है 5-speed गियर ट्रांसमिशन आता है जो कि इसका गियर 1 आगे और 4 पीछे लगता है। इसके स्टैंड में जो है आपको इंजन कट ऑफ सेंसर भी दिया गया है। और इसके अगर टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। और इसका मीटर आप लोग देख सकते हैं, फुल्ली जो है आपको इसमें डिजिटल मीटर मिलता है। और इसके हैंडल में आपको पासिंग, हाई बीम, लो बीम और इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच दिया गया है। और इधर जो है आपको i3S का स्विच और सेल्फ का स्विच मिल जाता है। और इसका टैंक आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी मस्कुलर इसका टैंक देखने में लग रहा है। और कलर भी जो है काफ़ी खिल रहा है इस गाड़ी का। और इसमें जो है आपको काफ़ी लंबा जो है सीट मिल जाता है और कंफर्टेबल इसमें सीट दिया गया है। और इसका जो आपको खोलने का जो सिस्टम है यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जो है आप चाबी लगाइएगा तो इसका जो सीट यहाँ से खुल जाएगा। और इसमें जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं USB पोर्ट भी दिया गया है जहाँ से आप अपना फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल लाइट, इंजन लाइट मिल जाता है। और इसका जो है आपको पूरा जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल मिलता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है RPM मीटर भी आपको मिलता है। यहाँ पर जो है स्पीडो मीटर आपको मिलता है। आप कौन से गियर में चल रहे हैं उसका भी आपको यहाँ पर इंडिकेशन पता चलता है। यहाँ से आप इसका ऑटो मीटर देख सकते हैं। इसमें आप लोग जो है डेट देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, एवरेज भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको ट्रिप भी पता चलता है। और इसमें जो है आप इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, SMS कॉल अलर्ट आपको मिलता है। और इसमें जो है आप
नेविगेशन भी इसमें आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगर इस बाइक के इंजन की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन मिलता है 124.7 सीसी का, जो कि मैक्सिमम पावर 10.84 पीएस का जनरेट करता है 7500 आरपीएम पे, और मैक्सिमम टॉर्क जो है 10.6 एनएम का जनरेट करता है 6000 आरपीएम पे। आप अगर इस बाइक के माइलेज की अगर बात करें तो ये बाइक जो है आपको 60 प्लस जो है माइलेज हाईवे में निकाल के दे देगी, और अगर आप इसको सिटी या गाँव में चलाते हैं तो आपको जो है 50 प्लस इस बाइक से माइलेज मिल जाएगा। और अब इसके अगर एक्स शोरूम प्राइस की अगर बात करें तो इसका जो है एक्स शोरूम प्राइस 85,900 है, और इसका ऑन रोड प्राइस जो है 101,540 रुपीज़ जो है इसका ऑन रोड प्राइस है। और ये बाइक जो है हमें अवेलेबल कराया है पांडे ऑटोमोबाइल्स बगदाह से। अगर आप नियर बाय एरिया से देख रहे हैं तो आप जो है शोरूम का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उसका जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।